भाइयों, आप लोगों ने शेख के साथ नमाज विदा पढ़ ली, अब अपने घरों को क्यों नहीं चले जाते? एक वादा करें कि वो कूफे में रहेंगे। तुम्हें शेख का जवाब मिल चुका है। शेख का कूफे में रहना खलीफा से बेहद शिकनी है। इसरार क्यों कर रहे हो? शेख बेहद शिकनी ना करें, हम उन्हें कूफे में रहने के लिए मजबूर करेंगे। अगर खलीफा जान लें कि कूफे वाले शेख के तरफदार हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे। तो वलीद कूफे में किस काम का? तमीर कूफा है, रहे, हमें कोई एतराज नहीं। खूब, अगर वाकई सारे कूफे वाले मुत्तहिद हो जाएं तो शायद शेख रुक जाए। लोगो, शेख को रोको, शेख कहीं नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं पर। शेख को ना जाने दो लोगो। वलीद शेख का दुश्मन है, ये उसी की साजिश है, हम उसकी एक ना चलने देंगे। शेख यहीं रहेंगे, यहीं, हम शेख के हामी हैं। शेख कहाँ जा रहे हैं? हम आपके साथ हैं, आपको यहीं रुकना होगा। हम आपके दुश्मन को कूफे से बाहर निकाल देंगे, आप रुके, आप कहीं ना जाए शेख, हम सब आपके साथ हैं। हम आपके दुश्मन को कूफे में नहीं रहने देंगे। हम शेख के तरफदार हैं, शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे, शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। रास्ता बंद कर दो शेख, शेख नहीं जाएंगे। खुदा पर भरोसा रखो, जो भी मेरे खिलाफ या मेरी हिमायत में बोलेगा वो शैतान कूफा के बहकाने में आ गया है। इख्तिलाफ से बचो और निफाक से परहेज करो। खलीफा ने मुझे बुलाया है, नाफरमानी नहीं करूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। शेख, अपनी जिला वतनी कबूल करना, अपनी खता का इतराफ करना है। नहीं, फिलहाल कूफा मेरे हक में नहीं है। अरे अहले कूफा, ये जान लो कि इंसान के अंदर दो कबीले होते हैं और हर कबीले के पीछे शैतानी लश्कर होता है। होशियारी से काम लेना, लड़ना नहीं, और अपने वशी बातिन की इमामत खुद करें। अपने मुकाम को पहचानो के हमसायगी में तुम्हारी दीवार दीवार नबूवत से मिली हुई है, और ये भी जान लो कि उस आसमान के नीचे सांस लेते हो जिस पर निगाह रसूल के सितारे बरसते हैं, और उस जमीन पर चलते हो
کہ جس کی عرش اعظم پر ملائکہ تسبیح کیا کرتے ہیں اور ایسی زبان بولتے ہو جس زبان میں خدا نے اپنی حجت کو مخلوق پر قائم کر رکھی ہے، ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارے بعد کی نسلیں عربوں کو اتنی فضیلتوں کے حقدار نہ سمجھیں۔ بچو اختلافات اور تفرقے سے، ورنہ ایمان تمہارے دلوں سے زائل ہو جائے گا۔ نفرت کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کرو، دھمکیاں نہیں آپس میں نصیحت کرنا۔ ہمارے دور اور نزدیک کے عزیز اور اقارب مار دیے گئے تاکہ ہم نہ مارے اور نہ مارے جائیں۔ کہیں سنی معاف کر دو، اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو آ کر یہی مجھ سے لے لے، اگر کسی سے ناانصافی کی ہو تو اسی جگہ پہ آ کے قصاص لے لے۔ جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ مالک اشتر نقی سے جدا نہ ہو۔ اس مرد کی گفتار گفتار علی سے شباہت رکھتی ہے، تم جب تک دل و جان سے ان کے ساتھ رہو گے ولید اور ولیدیوں سے محفوظ رہو گے۔ جب تک عمر باقی ہے آنکھیں راہ کوفہ پر بچھی ہوں گی اور منتظر رہوں گا کہ قاصد قوم ازد و اسد کے صلح کی خبر لائے۔ آپ کی یاد بہت ستائے گی۔ نہ کہو مالک، یہ ایک درد بھری حکایت ہے، میں بھی علی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ خدا حافظ مالک۔ چلتے ہیں۔ کیا تم نے اپنا جہیز تیار کر لیا ہے میری بیٹی؟ ہمارا جہیز یا ہمارا ایمان ہے؟ ایمان یا تمہارا دل؟ تم خدا کے لیے شیخ کی طرح باتیں نہ کرو، تمہاری جگہ اجلے عروسی ہے نا ممبر، یہ کالا لباس کیوں کر؟ ہم سوگوار ہیں۔ آئے ہائے، ایسی منحوس باتیں خدا کے لیے نہ کرو میری جان۔ یہ کاروان جو تم نے دیکھا پدر کوفہ کا جنازہ ساتھ لے گئے، ہم کوفی کی لڑکیاں 40 دن تک آزادار ہیں۔ آئے ہائے، اب 40 دن انتظار کرنا پڑے گا؟ تم ولید کو تڑپا کے مارنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں بھی کہوں تو وہ خوشی سے مر جائے گا۔ خدا کی پناہ میں۔ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک، ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے؟
जो आज अशर से किंदी और दूसरे कबीले के लोग हमारे खिलाफ सफाराई कर रहे हैं। वलीद को तुम बहाने का मौका दे रहे हो। कौम असद ने तुम्हारे साथ ऐलान इत्तेहाद क्यों किया? ये तुम्हारा इत्तेहाद का ऐलान जंग नहीं है। मालिक, कौम असद के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। कौम असद ने कौम असद का साथ इसलिए दिया कि वलीदी ये न समझे कि कौम असद बेकसो तन्हा है। इस दरबदरी से हम भी खुश नहीं। कूफे में हमारी ज़राअत बेसरपरस्त है और हमारे अहलो आयाल परेशान। हम भी यही चाहते हैं कि दुश्मनी जल्द खत्म हो, मगर क्या जमानत है कि वलीद हमारे साथ दोबारा दुश्मनी नहीं करेगा? क्या जमानत अपनी ताकत से बढ़कर? देखा अगर वलीद ने शरारत की तो दोबारा खड़े हो जाना, उस वक्त हम भी तुम्हारे साथ होंगे। क्या फर्क पड़ता है मालिक? तुम्हें वलीद की शरारतों पर शक है? हमने उसकी शरारतों के खिलाफ कयाम किया है। अगर दोबारा कयाम करना हो तो आज बैठना कैसा? सुलह करके कूफे वालों को यह सबूत दो कि तुम जंग नहीं चाहते। वलीद ने सारे कूफे को तो नहीं खरीद लिया? मालिक, तुम कूफे के खैर खाओ, लेकिन कोई ऐसा काम न करना जिससे वलीद हमारी जड़ों को उखाड़ फेंके। तुम समझदार हो अबू मुबर्रा, चाहते हो कि वलीद लाशों के ढेर लगा दे। तुमसे जंग करने के लिए उसने कुफार की फौज नहीं मंगाई, कूफियों में खाना जंगी होगी, भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अपनी शुजात का तुमने सबूत दे दिया, अब सुलह करके अपनी दियानत को भी साबित कर दो जिस तरह शेख कूफा ने दिया है। काफी था अगर शेख जहाद का फतवा दे देते। खुदा की कसम हमारी कौम नक्शा बदल देती। तुम तो ये नहीं चाहते कि कूफे की दुल्हनों के सुहाग उजड़ जाएं, या चाहते हो? हमें मोहलत चाहिए मालिक, हम इस पर गौर करेंगे। गौर करो, अच्छी तरह गौर करो। तुम जाने और तुम्हारा खुदा, मैं सुलह की उम्मीद रखता हूं। वलीद कूफे के सरदारों से गुफ्तगू करने वाला है, यकीनन खलीफा के जाली फतवे की आड़ में तुमसे जंग करना चाहता है। उसकी साजिशों को नाकाम बना दो। खुदा हाफिज हो तुम्हारा। हमारे और वलीद के दरमियान गुफ्तगू में तुम भी शरीक होगे? हाँ, आखिर कोई तो हो जो उसके खिलाफ आवाज उठाए। कूफे की जमातों में आप भी तन्हा रह गए। तुम मुझे तन्हा ना छोड़ो। चुंदब भी अली के पास रह गए, वो जब कूफे में थे तो मैं तन्हा नहीं था। असदियों ने असदियों के साथ ऐलान इत्तेहाद किया या नहीं? उनके साथ हमारी जंग आपस में मुसलमानों की जंग है। कबूल। मालिक, तुम जो इतना सुलह पर जोर दे रहे हो, बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अगर इसी तरह जिस कौम का जी चाहे बगावत करे, अपना घर बार ज़राअत छोड़ छाड़ कर कूफे के रास्तों में दहशत फैलाए और किसी के न सुने, तो क्या हशर होगा? जंगल राज हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही शेवा जो दौरे जाहिलियत में था। जिस कबीले के पास ज्यादा मालो सरवत और शमशीर जन होंगे वो अपनी मनवाना चाहेगा। मालिक,
मुझे जवाब दो। हाँ, ये अजदी और असदी कबीले आखिर कब तक चूहा और बिल्ली का खेल रचाएंगे? हाँ, आखिर कब तक? जब उनके खाने पीने का अंबार खत्म हो जाएगा तो बौखलाकर भेड़ियों की तरह कूफे पर हमला कर देंगे। कूफियों की जान माल और इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। कल इसका धुआं अगर आंखों में गया तो शिकायत न करना। आज कह लो जंग मसलहत नहीं है, लेकिन कल तुम्हें उन दोनों कौमों के हमलों का मुकाबला खुद करना पड़ेगा। खुद जानो मैं इसरारे जंग नहीं करूंगा, मगर एक जौ के दाने से भी उनकी मदद करना हराम समझता हूं, हराम। मालिक, यजदी क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। फिर ये लोग झगड़ा क्यों खत्म नहीं करते? अमीर के सामने तस्लीम क्यों नहीं होते? वो हथियार डालने से डरते हैं। आखिर क्यों डरते हैं? उन्हें वलीद पर एतमाद नहीं है। एतमाद नहीं है, ये तौहीन नहीं तो क्या है? चलो मैं अपनी बात नहीं करता, खलीफा पर भी एतमाद नहीं? तुमने खुले आम अज़ियों को वादा दिया था जो वफा नहीं किया, जुंदब को रात के अंधेरे में बुलवाकर और भी बदगुमान कर दिया। उनका कहना है कि तुम उसको कत्ल करना चाहते थे। वो गलत कहते हैं मालिक, गलत कहते हैं। उन्हें इल्म गैब हो गया था, वो इस तरह मेरी शख्सियत को बिगाड़ना चाहते हैं। उनके झूठे होने पर तुम्हारे पास क्या दलील है? ओ मालिक, जब हुआ ही कुछ नहीं तो दलील कैसी? तुम गुफ्तगू करने आए हो या मेरा मुहाकिमा? कैसी बकवास कर रहे हो? साफ साफ कह दो कि अजदियों के साथ मिले हुए हो। मैं अमीर कूफा नहीं बना हूं कि डर के चूहे की तरह बिल में घुस जाऊं। ये कैसे मुसलमान हैं जो कबीले के जोर पर अपने अमीर को आंखें दिखाते? अगर खुदा का खौफ ना होता तो साबित करता कि कुरैश आज भी इराक की शिकस्त नापजीर कौम है। ना करो मेरे बाप, ना करो। इतने खून जो दौरे जाहिलियत में बहे हैं इसलिए कि अरब इंसान बन जाए। Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
اللهم صل على محمد وعلى محمد له لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الله. تین رکعت پڑھی تھی یا چار؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں خود اپنی شکیات میں مشغول ہوں. بلا ہے تیری شک. اب کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے شک ہے کہ میں ڈروں یا نہ ڈروں. کس سے ڈرنے کی اور نہ ڈرنے کی بات کر رہی ہو تم؟ بتا دوں، سن سکو گے؟ نہیں، بتا کر دل توڑ دیتی ہے. اٹھ بھی جا، مجھے ٹوکری لا دے. شک کرتی ہوں کہ میں خدا سے ڈروں یا نہ ڈروں. کیسی نسل پیدا ہوئی؟ یہ کون سا لقمہ حرام میں نے کھایا؟ کون سا گناہ کبیرہ مجھ سے ہوا جو ایسی ناخلف اولاد مجھے ملی ہے؟ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتی. کھیل کھیل میں میں نے اپنے دل کی بات بتا دی. میں ناخلف ناکارہ صحیح، مگر ہوں صاف. اب آپ اپنی شکیات کا بتاؤ. تمام کوفے والوں نے ولید کے در پر سر جھکا دیا ہے، لیکن آپ ہیں جو غیر خدا کی عبادت کو حرام جانتے ہیں. بتا دوں کیوں؟ کہ چار رکعت کے بجائے تین رکعت پڑھی آپ نے، اس لیے کہ آپ کی توجہ خدا کی طرف نہیں تھی. آپ اس سوچ میں تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی کا اسیر ہونا بہتر ہے، یا آپ زندہ رہ جائیں اور آپ کی بیٹی ہو جائے امیر. قطام، اگر ولید سے تمہاری شادی پر راضی ہو جاؤں تو تم اپنی کفرآمیز زبان کو بند کر لوگی؟ لو، بند کر لیا. اللہ. وردان، تمہارا امیر تمہارا رقیب ہے. اگر قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ولید کو پہلے ختم کرنا ہوگا. سات سروں والے اجدہا کی مثال ہے، ایک کو کچلو تو دو سر نکل آتے. کاش مصر ہی چلے جاتے، وہاں مطلع کی شیشیوں کی تجارت کر لیتے. پریشانی کیا ہے؟ کوفہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے ولید. میرے ہاتھ میں تو یہ جام ہے جو لرز رہا ہے. مجھے شیخ کی جڑوں کو بھی اکھاڑ دینا چاہیے تھا. مالک اشتر دوسرا شیخ ہے، دیکھا نہیں؟ اصل میں والی کوفہ مالک اشتر ہے، نہ ولید ابن عبا. قوم اسد و اسد اس کے ایک اشارے پر صلح کرنے پر تیار ہو گئے. مالک شیخ سے قوی تو نہیں؟ شیخ کے پاس صرف زبان تھی، مالک کے پاس زبان اور تلوار دونوں ہیں. بڑا خطرناک آدمی ہے شاعر، بڑا ہی خطرناک. شیخ کے پیچھے تو چپ چاپ رہتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ. یہ علی والوں کی خاص پہچان ہے، جب یہ چپ رہتے ہیں تو دکھنے میں نہیں آتے، اور جب انہیں جھٹکا لگتا ہے تو یہ لوگ طوفان بن جاتے ہیں. ہاں.
कहीं तुम तो शराब नहीं पी बैठे? क्यों नहीं, लेकिन दाया तो दो दो नजर आ रही है। अपने बदबूदार मुंह का क्या करोगे? दाई जान, अबू जुबैद मेरा हम प्याला है दाई जान, वरदान के साथ चली जाओ। वरदान? उस भूत जैसी ड्रावनी शक्ल को लेकर मैं शादी का पैगाम लेकर जा रही हूँ या दुल्हन वालों की रूह कब्ज करने? फिर कल जाऊंगी। नहीं, अभी चली जाना। मैं देख रही हूँ तुम कितने बेचैन हो, बेकरार हो। कहो तो आज ही दुल्हन ले आऊं। अगर कर सकती हो तो क्या कहने, तुमने 40 दिन मुझे पट्टी पढ़ाया और इंतजार करवाया। जल्दी करो, कहीं मालिक एस्टर ये भी बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। आज भी मैं अपना इलाज शराब ही से कर लूंगा। तोहफा क्या ले जा रही हो? ये हार। नहीं दाई जान, ये नहीं। नहीं, कर मुकद्दस आदमी है, हार को देखते ही हम सबको काफिर बना दे। कोई मुतबर्रिक तोहफा ले जाओ। ये मुतबर्रिक तोहफा कौन सी बला है? तुम ही समझाना अबू जुबैद। मेरी करम फरमा, अपनी बेगम दाया की खिदमत में अर्ज है कि तोहफा मुतबर्रिक एक ऐसी चीज है जो आंखों को अंधा कर देता है, होश उड़ा देता है और दिल चुरा लेता है। अगर घर में लटका दो तो खैर बरकत की बारिश होती है, गर्दन में पहन लो तो फौलाद की जिरह का काम देती है, कोई तीर गुजर ही नहीं सकता। अगर कफन में रख दो तो मुर्दे को फिशारे कब्र से बचा ले, मुनकिर नकीर के सवाल जवाब से बरीक कर दे। इसी की बरकत से पुले सिरात भी वसी हो जाता है और यही जन्नत की चाबी भी। तुम तो शद्दाद की जन्नत लेकर बैठ गए शायर। ले जाओ। बताना मोहम्मद की जुल्फों में का एक बाल है, यही अजीज तरीन तोहफा जो वलीद के पास है। इसे गुलाब से धो लेना कि शराब की बो न दे। हथेली बराबर एक सब्ज कपड़े में इसे लपेट लो तो क्या ही कहना। कहना मोहम्मद के अमामे का टुकड़ा है। बाकी बातें तो अबू जुबैर ने तुम्हें समझा ही दी है। अब जाओ, देखें तुम क्या करती हो। तुम्हें दुल्हन नहीं चाहिए, खुत्ताम जैसी शैतान चाहिए जो तुम्हारा दिमाग सही कर दे। उस वक्त तक अगर मैं जिंदा रह गई तो मैं देखूंगी कि तुम लोगों से कैसी नस्ल निकलती है। तुम इधर खड़े हो जाओ और तुम उधर। हाँ सब खैरियत है, मेल मिलाप का पैगाम लेकर आई हूँ। रिश्तेदारियाँ नहीं बढ़ाओगे? जो भी खुदा बंदे आलम चाहे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, तशरीफ ले चलिए।
तुम नहीं आओगे पहलवान? नहीं मोमिन, मैं तुम्हारे घर का नमक नहीं खाना चाहता। बखुदा मुझे इसकी खबर नहीं थी। वरदान खुताम चाहते हो तो अपने रखीब को हटाना पड़ेगा। मैं अपनी जबान पर कायम हूं वरदान। खुताम इधर तो आना जरा। जीती रहो बेटी, तुम खुद एक बेमिसाल गौहर हो। मेरे पास तुम्हारे लायक कोई तोहफा ना था। ये तोहफा वलीद ने अपने माल से दिया है या कूफे के बैतुल माल से? ये तोहफा मैं अपनी तरफ से दुल्हन के लिए लाई हूँ। इसका ताल्लुक ना वलीद से है और ना बैतुल माल से। हम अपने ईमान का सौदा जरो जेवर से नहीं करते बानो। ये एक रस्म है अबा खुदा। मर्द अपनी तलवार पे नाश करते हैं और औरतें अपने जेवर पर। वलीद से कहो खुताम को अपने ईमान पर नाज है, उसके लायक कोई तोहफा हो तो आए। मोमिन जल्दबाज नहीं होता अबा खुदाम, जरा सब्र करो। हम भी मुसलमान हैं, किबला पहचानते हैं। बरज़ख दोज़ख और जन्नत की हमें भी फिक्र है। मल मिसकौल ज़र्रतन खैरन यरा वमन यअमल मिसकौल ज़र्रतन शर्रन यरा। मर्द इबादत गुजार तुम जैसा अच्छा शामा रखता है। जरा सूंघो, तुम्हें रसूल खुदा की खुशबू नहीं आ रही? लो
लीजिए ये मुतबर्रिक तोहफा वलीद की तरफ से। रसूल खुदा का बाल है हजरत के अमामे के कपड़े पर। तुम वुजू से हो खुद्दाम जान? नहीं नहीं दाए जान, अगर बेवजू हाथ लगाया जाए तो कराहत रखता है। अपने कफन का जेवर बना लो बा खुदाम, कब्र की तन्हाई से निजात मिलेगी, पुलिस रात पर पैर नहीं लरजेंगे। ये तोहफा जन्नत के दरवाजे की चाबी है, इसकी अहमियत को समझो। अबा खुताम को इकबाल से धोखा दे दिया, अब खुताम को किस चीज से धोखा दोगे? यहीं पर हूं। नहीं पूछोगे क्या हो? चेहरे की खुशी से तो पता चलता है कि मंगनी हो गई है, अब शादी कब तय पाई है बानो। बहुत ही मुबारक हो। बुखलाई क्यों हो? खुशी से बानो, आपको मेरे सर पे दो सींग नजर नहीं आ रहे? कल रात वलीद की दुश्मन और आज वलीद की दुल्हन, ये अजीब नहीं है बानो? खुदा दोनों को आबाद करे।
बेदार हो जाओ वलीद, तुलू ए सुबह करीब है, उजाला फैल चुका है, लोगों की नमाज कजा कराओगे? कैसा बेहूदा झुकना उठना, सुबह की मीठी नींद आराम, बेहूदा उठना बैठना हलाल, ये रियासत भी मेरे लिए अजाब जान बनी हुई है। मेहराब और मिंबर से मुझे क्या मतलब चाय जाम? तुमने फिर से ज्यादा शराब पी रखी है कम्बा, ये तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। नशे की हालत में तुम्हारा मस्जिद को जाना ठीक नहीं। कहाँ जा रही हो? किसी से मस्जिद में कहलवाती हूँ कि तुम बीमार हो। कौन नमाज पढ़ाएगा मस्जिद कूफा? कोई भी पढ़ा देगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कौन मालिक इस तरह? नहीं दाया नहीं, जाओ मैं ठीक हूँ, जाओ उजू के लिए गुलाब ले आओ, जल्दी करो। खड़ी क्यों हो? खड़ी क्या देख रही है कुतिया? मैं अगर किसी कुत्ते को भी दूध पिलाती तो आज ये अल्फाज सुनने को ना मिलते। लांती। नशा उतरने से सब ठीक हो जाएगा। रात इधर है, मेरी आंखों की स्याही में दिन इधर है, मेरी आंखों की सफेदी में मैं आलम हूँ, दुनिया मेरी आंखों के घूमने से घूमती है, मेरी एक निगाह से सूरज तुलू होता है, मेरी एक निगाह से रात को सितारे उतरते हैं, दुनिया मेरी आंखों के इशारों से चलती है, अगर आंखें बंद कर लूं तो आलमपुर आशोभ हो जाए। मैं कुत्ताम हूं, रात मेरी आंखों में, लो रात को देखो, दिन मेरी आंखों में, लो दिन को देखो, रात को देखो मेरी आंखों में, दिन को देखो रात को देखो, आलम को देखो मेरी आंखों में, देखो इस दीवानी को जंजीर में जकड़ दो, जंजीर में जकड़ दो इसे। मैं खुताम हूँ। खुताम? तुम खुताम नहीं हो बेटी मेरी बच्ची, क्या तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम खुताम हो? तुम खुताम नहीं हो, चलो मेरी बच्ची, चलो चलो चलो। हाँ हाँ मैं खुताम हूँ, मैं खुताम हूँ, रात को देखो मेरी आंखों में, दिन मेरी आंखों में, आलम मेरी आंखों में, मेरी आंखों में दिन देखो, मेरी आंखों में देखो। ये जलजला मुझे नाबूद करके छोड़ेगा, खुदाम खुदाम मुझे नाबूद कर दे,
مجھے نابود کر دے خدا. پیتے جا اور پلاتے جا. اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کیا چار رکعت ہو گئی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں. پھر اس نے چار رکعت کیوں پڑھی؟ ابو زینب ولید اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. صبح کی نماز اس نے چار رکعت پڑھا دی. حیران ہوں میں, آج تک میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھا. عجب. بابا اس نے صبح کی نماز چار رکعت کیوں پڑھی؟ بابا یہ ولید نے کیا کر دیا؟ اس نے اس طرح کیوں کیا؟ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ چار رکعت پڑھا دی ہے. کہاں ہے؟ اور پڑھا دوں؟ زیادہ پڑھا دی, زیادہ. بے وقوف, دو رکعت زیادہ پڑھا دی. دو رکعت میری طرف سے. ایوہ الناس, تمہارا امیر بخار کی وجہ سے بیمار ہے. وہ ہذیان بک رہا ہے, اسے سخت بخار ہے. آگ کی طرح بخار میں شدت کی وجہ سے اس نے دو رکعت نماز کے بجائے اگر چار رکعت نماز پڑھا دی تو کیا گناہ کیا؟ شراب کی حقیقت کا کیوں انکار کر رہے ہو شاعر؟ بدن تو بالکل ٹھنڈا ہے. ولی تجھے تو بخار نہیں ہے. جس کو بھی اس ملعون کی خباثت پر شک ہے وہ اپنے کان کھول کر سن لیں. زمانہ جاہلیت میں جس نے بھی شراب پی ہے اور اس کی بو کو پہچانتا ہو اس کے منہ کو سونگے. لعنت ہو ان پر جو صرف مال دنیا کی خاطر خاموش بیٹھے ہیں. ولید کے سکوں پر پلنے والے آئیں اور آ کر دیکھیں کہ کس بدبودار لاشے کی اقتدا کی ہے. بنی ازد اور اسد تو دشمنی سے کہتے ہیں, تم لوگ تو غیر جانبدار ہو. کبھی شرابی بھی پیش نماز دیکھا ہے؟ مانو ای بدکاره.
मालिक ये रहा जुर्म का सबूत, इस फसाद के जरासीम को तो मार देना चाहिए। एक फासिद को हमारा हाकिम बना दिया गया। मालिक, मैं इकरार करता हूं कि मुझसे शेख की तरफ ना इंसाफी हुई है। तुम सबसे ज्यादा शेख से नजदीक थे, बताओ मैं क्या करूं? क्या खलीफा से शिकायत करें? वलीद ने तुम में से कुछ लोगों की हिमायत से शेख को निकाला है। मदीने में मरवान ने उन्हें इतना पीटा है कि उनके सीने की हड्डियां टूट गईं। अगर तुमने भी खलीफा से शिकायत की तो तुम्हारी भी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। कूफे में अगर वलीद को कत्ल करोगे तो खलीफा के खिलाफ जंग करने का हुक्म लग जाएगा। अब एक ही रास्ता है, जाके अली से मदद मांगो, शायद उम्मुल मोमिनीन आयशा भी तुम्हारी मदद करे। मदीना जाना चाहते हो तो जल्दी करो, अगर वलीद होश में आ गया तो कूफे का रास्ता बंद कर देगा। तुम नहीं आओगे मालिक? वलीद और वलीदियों से निपटने के लिए मैं यहीं रहूंगा। चलो चलते हैं। कमीने बदजात, कमीने जलील, बदजात जलील कहीं के तेरे सर पे वलीद। मैंने उसे मार डाला। क्या भूत बने खड़े हो? पता है क्या हुआ? क्या हुआ? वलीद की अंगूठी चोरी हो गई। किसने चुराया? जाओ कूफे के दरवाजे को बंद कर दो, जाओ जल्दी करो वरदान। दरवाजा बंद करो।
बगैर इजाजत के दरवाजा क्यों खोल रखा है? इजाजत की क्या जरूरत है, तो हमारा हर रोज का काम है वरदान। कोई मशकूक सवार तो नहीं निकले? इसको क्यों, मुझे क्या खबर, यहाँ से चार घोड़े सवार गुजरे, उनका रास्ता बंद क्यों नहीं किया? और रास्ता बंद करूं, दरवाजा खुला है, आना जाना आजाद है। बेवकूफ, अगर इसी तरीके से हर एक आता जाता रहे तो निगहबान की क्या जरूरत? दरवाजा खुला रहे या बंद कर दूं? जो दिल चाहे वो करो, चलो। चलो बसरे के रास्ते से चलें। इतनी दूर से क्यों? कहीं वलीद के सिपाही पीछा ना करें। जान से मार डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा वरदान, रुक जा वरदान, वरदान मैं अमीर कूफा का मुहाफिज हूँ। इस छत के नीचे किसी को अमीर नहीं पाता। वाकई नहीं पाते हो? बिल्कुल नहीं पाते हो। वफादार कुत्ते तो अपने आका के सामने दुम हिलाते फिरते हैं, जबान नहीं चलाते। गुस्ताख हो गए वरदान। दफा हो जाओ अबू जुबैद, उसके नशे का सबब तुम ही हो। क्यों कल रात वो दूसरों का दिल तोड़कर शराब पे शराब पिए जा रहा था और तुम दोनों आपस में जाम टकरा रहे थे? ओ मर्द अरब, कसूर तो तुम्हारा है जो तुम दूर हुए और उसकी अंगूठी चोरी हुई। जब तुम्हें पता था कि उसकी हालत सही नहीं है तो तुमने गफलत क्यों की? पता है उसने मेरे साथ क्या किया? ओ, ओ। तुम्हें नहीं पता कुत्ता मेरे ख्यालों की दुल्हन थी। और अब उसके मकर की रानी है। वफादार नौकर मैं हूं जो उसे अभी तक कत्ल नहीं किया। देखा दाया, ये पत्थर का भूत भी खुताम का आशिक हो गया है। देखा किस तरह रो रहा था। अगर वलीद दिन रात काली आंखों वाली की याद में खून के आंसू बहाए तो गुनाह है। बस खुताम, खुताम, कैसी नहस किस्मत है तेरी। काश तू लंगड़ी हो जाती, तेरे पांव टूट जाते। काश तेरी जबान काम ना करती बुलबुल। देखा शायर,
इस दुल्हन ने अपनी मेहंदी के लिए कितने खून बहाए। बड़ी हसीन है, हौलनाक है। इस इश्क जिगर खार ने तो इज़राइल को भी पीछे छोड़ दिया, जो मेरे जिगर के टुकड़े करके मौत को ललकार रहा है। मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। सब्र करो वलीद, इसका हल सोचना होगा। तुम्हारे दर्द की दवा जरूर होगी। मेरे दर्द की? मैं दर्द गिनता हूं, तुम दवा बताओ। हमने शेख को शहर बदर किया तो आयशा हमारे खून की प्यासी हुई। आले उमैया की अली से दुश्मनी उनके बाप दादाओं को कत्ल करने से हुई। सबूत खलीफा तक पहुंचेगा, अली दखालत करेंगे, आयशा बलवा खड़ा कर देंगी, तो कूफे की इमारत बन जाएगी कब्र वलीद। और वो काली आंखों वाली बन जाएगी मेरी मलिका अजाब। अब वलीद के दर्दों की दवा तुम किस तरह करोगे शायर? कूफे के लोग वलीद की मोहर फरमा रवाई जो उसकी अंगूठी में थी लेकर मदीने में खलीफा वक्त के पास आ गए, ताकि उन्हें कूफे में गुजरने वाले हालात से आगाह करें। लेकिन मरवान इब्न हकम और अबू सुफियान शिकायत करने वालों की बात खलीफा तक पहुंचने में माने करार पाए, लिहाजा शिकायत लेकर आने वाले लोग उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में चले गए और उनसे वलीद के फिस्क व फजूर को बयान किया। उन्होंने खलीफा से सख्त बहस व मुजादला किया और रसूल अकरम की नालैन हाथ में लेकर फरियादें बुलंद की। कितना जल्द इस साहिब नालैन की सुन्नत को भुला दिया गया कि जो अभी पुरानी भी नहीं हुई। आयशा का खिताब तेजी से मुसलमानों में आम हो गया। नतीजतन मस्जिद नबवी में एक बड़ा इज्तमा सामने आया और इस तरह मरवान से काफिया न बन पाया और खलीफा पर हकीकत आश्कार हो गई। अली, तुम कहाँ और कूफा कहाँ? कूफे की हुकूमत लेने तो नहीं आए हो या इसीलिए आए हो? तुफो तुम पर वलीद, तुम माया नंगे आले उमैया हो। माया नंगे उमैया? सुना अबू सुबैद, माये नंगे उमैया? तो यकीनन सईद इब्न आस और मरवान बिन हकम माये शराफत आले उमैया है। आले उमैया में कोई शराफत भी थी? कूफा क्यों आए हो इब्न आस? क्यों? अब मैं नया अमीर कूफा हूं, मुझे हुक्म मिला है कि तुम्हें मदीना रवाना कर दूं। तुमने वो काम किया है कि उम्मुल मोमिनीन ने रसूल खुदा के जूते उठाकर वह मुसीबत का नारा बुलंद कर दिया है। आयशा किस बहाने रसूल खुदा की हुरमत को तोड़कर बाहर निकल आई? खलीफा क्यों उनकी बातों पर ध्यान देते? जिस तरह के तुमने शराब पीकर नमाज पढ़ाई है, कोई हुरमत रसूल खुदा को तोड़ता है तो कोई खुदा रसूल की हुरमत को। चलो अपना बिस्तर बांधो और सफर के लिए तैयार हो जाओ, अगर देर करोगे तो मसला और बिगड़ जाएगा। और सुनो, तुम लोग
सबसे पहले मिंबर को तहारत देना। ए चलो दफा हो जाओ, अगर मैं नजी छू तो तुम लोग आए नजासत हो। मिंबर को किससे तहारत दोगे, आबे कुर से? आले उमैया की नजासत का क्या करोगे? मदीनतुन नबी हिजरी कमरी के चौथे अशरे में। क्या किया आलिम? कुछ नहीं हो सकता अबू सुफियान। कफारा देने पर भी राजी नहीं? नहीं, जितनी आया तो हदीसें याद थी, सब पढ़ डाली। खलीफा हैं कि गुस्से से दांत पीस रहे हैं, बस दीवार की तरफ देखती और चुप। सुमन बुक 40 कनीजें खरीद कर आजाद कर दूंगा और एक साल तक 40 फकीरों का घर चलाऊंगा। सारी कोशिशें बेकार हैं अबू माविया। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम जैसे आलिम होते हुए हमारी मुश्किल हल न कर सको। जाके एक नई हदीस सुनाओ जो तुम्हारे सिवा किसी ने न सुनी हो। मुझे ना बनाओ अबू सुफियान। गुस्से से खलीफा का ये हाल है कि वो आलिम, आकिल, आबिद किसी को देखना नहीं चाहते। दोबारा मुझे देख लिया तो असा से मेरा सर तोड़ देंगे। 10,000 दीनार? 1,00,000 भी नहीं। खलीफा गुस्से से कांप रहे हैं। ताजियाना अली के हाथों में दे दिया है, सजा मिलकर रहेगी। इतनी शराब क्यों चढ़ा ली थी कमबख्त? इतना पीना चाहता था कि सबको भुला दूं। किसको भुलाने के लिए? कुत्ते। अपने आप को, बाप दादाओं को, सारे खानदान को। काश तुम अंधे नहीं होते तो मैं तुम्हें आई ना देता और तुम देखते कि हम सब तुम्हारे शबीह हैं अबू सुफियान। तो एक फातिही ने जंगे बद्र में से था। 30 साल लगे, 30 साल अपने दांत पीसता हुआ सब्र से अपने जीत का इंतजार किया। तुम्हारे जंगे बद्र में लगाए हुए जख्म हम पर अब तक ताजा। बद्र वाले भी अबू सुफियान की दुश्मनी से लरस जाए और जान लें कि मैं भी असाबे बद्र के एक एक कब्र बनाकर चोग मनवाऊंगा। अबू सुफियान, तुम हमारे लिए वैसे हो जैसे कि मूसा के लिए फिरौन था, उससे भी बदतर।